सरकारी कर्मचारी ही लगा रहे सरकार को पलीता। जहां समस्त भारत में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन चल रहा है और सरकार द्वारा लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर व प्रवासी लोगों को निशुल्क भोजन मुहैया कराया जा रहा है, वहीं जनपद गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 6 लोगों को इतना खाना मिल रहा है जिसे एक व्यक्ति भर पेट खा सकता है। आपको बताते चले कि तहसील प्रशासन मोदीनगर द्वारा मोदीनगर मुरादनगर लेखपाल भवन पर प्रवासी व दिहाड़ी मजदूरों के लिए निशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। वहीं पर भोजन ले रहे क्या समस्या है आपकी खाने को लेकर? जी सर, मैंने एक मेरी मेरी बीवी भी है घर पे, ये दो जने का खाना है। कहां से लिया अभी खाना आपने? ये बिलक में अंदर से हमें पूरा खाना नहीं मिल रहा है। अब जबकि हमारी आधार हमें बर्तन बिकने वाले गली गली घूमते, हमारे अभी बर्तन बिकेंगे नहीं, हम कहां जाएंगे बताओ? हम रहते आपने एंट्री कराई अपने परिवार की यहां पे? कराई जी सर। तो एंट्री कितने लोगों की एंट्री है आपकी? 5 जनों की। 5 जनों की एंट्री है। खाना कितना मिलता है? बता गई है, दो जने का दिया, एक जन लेगी मेरे पास। अच्छा, दो जनों का लिया है। मेरा नाम है विक्की। क्या समस्या है आपकी खाने को लेकर? जी सर, हमारे एक मेरी बीवी भी है घर पे, ये दो जने का खाना है। कहाँ से लिया अभी खाना आपने? ये बिलक में अंदर से। अच्छा जी सर। हमें बर्तन बिकने वाले गली गली घूमते, हमारे अभी बर्तन बिकेंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम रहते गुजरात। आपने एंट्री कराई अपने परिवार की यहाँ पे? कराई है जी सर। तो एंट्री कितने लोगों की एंट्री है आपके? 5 जनों की। 5 जनों की एंट्री है। खाना कितना मिलता है? ये दो जने का दिया, एक जना लेगी मेरे पापा। अच्छा, दो जनों का लिया है। 5 सदस्यों में 6 सदस्यों में दो जनों का खाना मिल रहा है। बोला ना कहीं? बोला ना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋतिक है। कितने लोगों की एंट्री है आपकी रजिस्टर में यहाँ पे? एंट्री हमारी है 6 जनों की। जैसे 6 जनों का बोलते है, 6 जनों का बोलते है तो 2 जनों का देते है, 3 जनों का देते है। वैसे अब 6 जनों में क्या होगा बाबू जी? अच्छा, अब ये जो खाना मिला है कितना कितने लोगों का खाना दिया इन्होंने? ये समझ लो 2 जनों का खाना है। अच्छा, 2 लोग खा लेंगे इसको? हाँ, 2 लोग। और बाकी जो 4 लोग हैं वो सदस्य के वो पानी में गुजारा कर लेंगे। सभी लोगों के साथ में यही समस्या है? सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है जी। कितने लोगों की एंट्री है? हमारे 6 जने की एंट्री है। तो आपको तो तहसील इस तरह से जो भोजन मिल रहा है आपको पूरा मिल रहा है 6 लोगों को? नहीं मिल रहा है? नहीं, एक ही लोगों को मिल रहा फिलहाल तो। अभी एक लोगों को मिला है? मुझे ही मिला। क्या बोलते हैं फिर अगर आप मांगते हैं तो? ये कहने लगे कि जो जितना परिवार है ना यहाँ पे लेके आ जाओ सबको। तो ये तो कह रहे कि हम जो आला अधिकारी जो बोल रहे हैं कि मैं जो खाना हम जो लोग खाना वितरण घर पे ही पहुँचा रहे हैं, घर पे खाना नहीं पहुँचा रहे? नहीं पहुँच रहे घर पे खाना? नहीं, कोई भी नहीं पहुँच रहा है? कोई भी नहीं। पहले मेरी बात सुनो, पहले ये वहाँ पे लाते थे तो मतलब चावल कच्चे आते थे तो सब ने मिल के बात है करी के भैया चावल कच्चे आ रहे, तो फिर इन लोगों ने क्या क्या लाना बंद कर दिया इन लोगों ने। और हमारा क्या बाल्टी टप का काम है? अभी तो काम वाम धंधा वंदा चल रहे वाले रहने वाले गुजरात के। गुजरात के कितने समय यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 300-400 आएंगे। नहीं, कितना समय हो गया रहते हैं? हमें 10 साल हो गए मुरादनगर में। आपके कितने सदस्य हैं? क्या नाम है आपका? सीमा जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? आपने यहाँ पे एंट्री करवाई थी इसमें? यहाँ पे 6 जनों का नाम लिखवाया। किसने किया एंट्री? किसने किया है? तो हमने ही लिखवाई थी, सब घर से ला के इंसानों को 6 जने लिखवाए, तो 3 पर एक मिल रहे, तो इसमें क्या होगा? ये तो 2 ही जने खाएंगे ना, 3 है तो इसमें 4-4 पूरी आ रही है। 6 सदस्यों को पूरा खाना नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा किसी को भी। इससे तो अच्छा हमको कच्चा ला के दे दो तो घर पर पका के तो खा लेके पेट भर के, इसमें क्या होएगा? 3 परकों में आधा खा के आधा रख दे, क्या फायदा? आधे भूखे खड़े हुए, तो इससे तो पूरा खाना दिलवाओ हमको, या तो कच्चा दिलवाओ तो घर पे पका के खाए। जी, क्या नाम है आपका? साइमा। आपको जो तहसील स्तर से भोजन मिल रहा है, मिल रहा है आपको? कभी मिल जाता कभी नहीं, अरे इतना ही मिलता है, बस घंटों घंटों ले खड़े रहते हैं के पौरा भी नहीं पड़ता मतलब के। आपके कितने परिवार की एंट्री है यहाँ? 3 बच्चों की और भवन में 3 बच्चे हैं और 2 हम हस्बैंड वाइफ है। 3 बच्चे, 5 सदस्य हैं परिवार में जी। तो कितने लोगों को खाना देते हैं? बस ये तो उसमें 2 ही थैली देते हैं, उसमें 4-5 पूरी रहती है, बस सब्जी रहती है, उसमें क्या पूरा पड़ता है बताओ? अभी खाना मिला आपको? नहीं मिला अभी तो, मिला नहीं है, खड़े ही हैं यहाँ पर। कितने समय से खड़े हैं आप यहाँ? घंटों हो गए यहाँ पर, वहाँ से लाइन लग के यहाँ पर आ गए, इनका खत्म हो गया, खत्म हो गया खाना खत्म। कौन बोल रहा है कि खाना खत्म हो गया? यही गाड़ी वाले भाई साहब जो देते हैं वो ही बोल रहे हैं, आते हैं लौट के चले जाते हैं। आपका शाहीन नाम है जी।
आपके खाने को लेकर क्या समस्या है? खाने का ये भवन से आपको खाना मिल रहा है, मुरादनगर से नहीं मिल रहा है। दो पैकेट मिलता है, कभी मिलता है कभी ना मिलता है। अभी ये रे खड़े हो गए हम। आपने एंट्री कराई है लेखपाल भवन में? कितने सदस्यों की एंट्री कराई है? एंट्री तो मैंने नाम 6 जनों का लिखवाया। 6 लोगों की एंट्री कराई है। मिलता खाना कितना उसमें? 2 पैकेट। 2 ही पैकेट मिलता है? कभी तो 1 पैकेट ही दे के चला देते हैं। कभी 1 पैकेट मिलता है, कभी 2 पैकेट। हाँ बस। आज खाना मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला है जी खाना अभी। आप कितने समय से यहाँ खड़े हैं खाने को? कम से कम 2 घंटे हो जाते हैं। 11 बजे से आके खड़े रहते हैं, कभी 10 बजे से आके खड़े रहते हैं, शाम को 5 बजे आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ 4 बजे से आके लाइन लगाते हैं। तो आपने आला अधिकारी से शिकायत की कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मुझे 2 लोगों का ही खाना मिलता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब मुझे पता नहीं जी, आप आए हो आपसे कर रहे हैं हम? नहीं, हमसे तो कर रहे हैं। यहाँ पे जो अधिकारी और भी हैं, लेखपाल वगैरह हैं, हमें नहीं मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता। आपने की नहीं किसी से शिकायत की हमें इतना भोजन क्यों देते हो, जबकि हमने 6 परिवार? हमने किसी से भी शिकायत नहीं की है जी। आप ही मिले हो, आपसे ही बोल रहे हैं जी। क्या नाम है मैडम आपका? फातिमा जी। आपने यहाँ लेखपाल भवन में एंट्री कराई है परिवार जी, के सदस्य? कितने सदस्य हैं आपके? 6 जने, 4 लड़के, 2 हम हो गए। तो अभी कितना लेखपाल भवन से आपको कितना भोजन मिल रहा है? वही 1 पैकेट मिलता है, कभी 2 पैकेट मिलता है बस। ये कब से मिल रहा है आपको 1 पैकेट और 2 पैकेट? कितने दिन हो गए हैं? हो गए 1 हफ्ता तो हो गए। 1 हफ्ते से ये स्थिति है कि कभी 1 पैकेट दे दिया? अब तो मिला ही ना, अब घर वापसी जाएंगे। अच्छा, अब कुछ इस वक्त आपको भोजन नहीं मिला ही ना, क्या बोल रहे हैं ये? ये बोल रहे हैं खत्म हो गया खाना, खत्म हो गया है। तो यानी कि भूखे रहेंगे पूरे दिन शाम तक, जब तक खाना नहीं मिलेगा? अब भूखा ही रहना पड़ेगा, जब ना मिल रहा घर वापसी जाएंगे। तो आपने आला अधिकारी से मिले हैं, लेखपाल वगैरह? नहीं, कहीं ना जाते, हम तो 1.5 महीने से ऐसी परेशान हैं। लेखपाल भवन आपके नजदीक है, यहाँ पे लेखपाल जी बैठते हैं, आपने उनसे शिकायत की? किसी किसी को आटा बांटते हैं, जब हम आते हैं तो कहते हैं बट गया है ही ना।